मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा सेकंड इंग्लिश में हम ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना सीखेंगे, जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय, इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय यानी मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय आपको इंग्लिश में दे दे, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो मैं एक लड़का हूँ। दूसरा ही इज ए स्टूडेंट यानी वह एक विद्यार्थी है। ही इज ए स्टूडेंट यानी वह एक विद्यार्थी है। ही इज ए स्टूडेंट यानी वह एक विद्यार्थी है। सी इज ए डॉक्टर यानी वह एक डॉक्टर है। सी इज ए डॉक्टर यानी वह एक डॉक्टर है। मीनिंग भी याद होना चाहिए, बी ओ वाई बॉय बॉय यानी लड़का, बी ओ वाई बॉय बॉय यानी लड़का। एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर। जैसे दिया हुआ आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इस मीनिंग याद करना है बॉय का, बी ओ वाई बॉय बॉय यानी लड़का, बी ओ वाई बॉय बॉय यानी लड़का, बी ओ वाई बॉय बॉय यानी लड़का, बी ओ वाई बॉय बॉय का मतलब क्या होता है लड़का। स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर। तो इस प्रकार से आपको लाइनें लिख करके इनका हिंदी अनुवाद करना आपको सीखना है। अब आते हैं गणित में। गणित में सवाल करेंगे कि पांच पेनों का मूल्य, पांच पेनों का मूल्य 35 रुपया है तो एक पेन का मूल्य बताओ। एक पेन का मूल्य बताओ, यानी हमें पांच पेनों का मूल्य दिया हुआ कितना रुपया 35। अब हमें एक पेन का मूल्य बताना है, हल करेंगे। ध्यान से सुने, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे करके एक का पूछे तो क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो यहाँ पे पांच का दिया हुआ है और एक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे पांच पेनों का मूल्य बराबर, पांच पेनों का मूल्य कितना दिया हुआ है 35 रुपये। कितना दिया हुआ 35 रुपये। हमें निकालने कितने का है एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य हमें निकालना है। तो 35 में क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे। भाग लगाते हैं यहाँ पे, 35 में 5 का भाग लगाओ, 5 का पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीया 15, 5 चौक 20, 5 चूड़ी 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 आठ 40, 5 नौ 45 और 5 दामे 50। तो देखो, 5 के पहाड़ा में 35 आ रहे क्या, आ रहा है। कितनी बार पहाड़ा बोलने पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार पहाड़ा बोलने पे 35 आ रहा है। घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना हो गया एक पेन का मूल्य 7 रुपया। कितना हो गया 7।
एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 5 पेनों का मूल्य दिया हुआ था, हमने एक पेन का मूल्य निकाल दिया। ध्यान रखें, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे करके एक वस्तु का मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है, भाग लगाना है। और एक वस्तु का मूल्य दे करके ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछे तो क्या करना है, आपको गुणा करना है। क्या करना होगा, ऐसे में गुणा करना होगा। एक वस्तु का मूल्य दे करके ज़्यादा वस्तुओं का पूछे तो गुणा, और ज़्यादा का दे करके एक का पूछे तो भाग करना होगा। तो आज ट्रांसलेट समझ समझ के उतारिएगा और सवाल समझ करके कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।